नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आप ड्रम्स बनाते हैं लेकिन आपकी हैट जो होती है बहुत ही प्लास्टिक साउंड करती है, बहुत ही रोबोटिक साउंड करती है। इस वजह से आपकी जो ओवरऑल बीट होती है, जो ओवरऑल ड्रम होता है, उसकी हैट या ओवरऑल रिदम जो है वो बाउंसी नहीं होती, नेचुरल नहीं होती। इसलिए हम जल्दी से आज देखेंगे किस तरह से मैं अपनी हैट्स के साथ ऐसा प्ले करूं कि एकदम नेचुरल लगे और बहुत ही अच्छी वाइब क्रिएट हो। उससे पहले मेरा नया चैनल देव नेक्स्ट लेवल बीट्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम आप सर्च करेंगे देव नेक्स्ट लेवल, आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। बैक टू द टॉपिक, हम यहां जाते हैं और चलिए एक हैट लेते हैं। चलिए अच्छी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, पियानो रोल आपका सबसे पहले करते हैं। हम यहां जाते हैं, एक पेंट टूल लेते हैं और चलिए कहीं भी आप ये चीज कर देते हैं। ठीक है, फेयर इनाफ। सुनने में क्या लगती है आइए देखते हैं। हमें ऑलरेडी मालूम भी है क्या होने वाला है। राइट, बहुत अच्छी रिदम है लेकिन काफी प्लास्टिक साउंड कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ग्रूव ऐड करना चाहूंगा। लाइन 1/6 बीट, इसे मैंने रिमूव किया और यहां रखा, एक इधर और एक इधर और एक यहां। अगेन यहां गए 6, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट यू, थोड़ा सा टाइट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और लीजिए ये उड़ा दिया और ये भी। नाइस, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं वेलोसिटीज के साथ तो छेड़ूंगा ही, मैं यहां पर जाता हूं ऑल्ट आर रैंडमाइज, जिससे अपने आप ही वेलोसिटीज थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसे छेड़ना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत सटल साम करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं यहां पैनिंग के साथ खेलूंगा लेफ्ट और राइट, सो दैट आपको एक स्टीरियो वाइब आए जब आप हेडफोन्स में वो बीट सुन रहे हो, और थोड़ा सा हम इसके पिच के साथ भी खेलना चाहेंगे। कभी कभी ये बाय डिफॉल्ट पैटर्न ऑन हो जाता है, इसे ऑफ रखिएगा। एक्सेप्ट करते हैं, फिर से सुनते हैं। नाइस, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां गया, राइट क्लिक किया, कंसोलिडेट किया, ठीक है, और यहां से मैं करता हूं कट रिमाइंडर, ठीक है, हो रखा है स्टार्ट। अब ये मेरे पास हैट आ चुकी है, ये फाइनली म्यूट हो गया है, सुनने में एग्जैक्टली वही होगा। राइट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, यहां से मैं इसे ले जाऊंगा मेरे फ्रूटी स्लाइसर में। अब यहां पर कुछ रैंडम जो है मैं सिलेक्ट करके उन्हें रिवर्स कर दूंगा, जिससे काफी अच्छी एक बाउंसी और बहुत ही रियल सी वाइब आने वाली। जैसे दो इकट्ठे हैं, ठीक है, एक ये लिया रिवर्स, बहुत बढ़िया। मैंने पैटर्न 1 के अंदर ही किया है तो पिछले वाले को हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल। राइट, अब सुनते हैं क्या चीज मेरी बनी, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम भी हम उठा लेते हैं, ये वाले का। या आप देख रहे हैं पहले कितनी प्लास्टिक साउंड कर रही थी, अब कितनी बढ़िया साउंड करनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमने पिच के साथ भी थोड़ा बहुत खेल लिया है, कहीं पतला कहीं ज्यादा, कहीं ऊपर हो रहा है कहीं नीचे हो रहा है, हल्का सा हमने पैनिंग के साथ खेला है, और बीच में कुछ कुछ जो हैं वो हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिए हैं जो इशारे हैं। तो इसमें से कुछ स्ट्रेट चल रहे हैं, कुछ रिवर्स चल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको करते रहनी है, अपनी वेलोसिटीज़ के साथ खेलिए, और हो सके अगर आपने एक बेसिक सा हेड का पैटर्न करना है तो हाथों से ही प्ले करें अपने कीबोर्ड पे या मिडी कीबोर्ड पे, तो और भी ज़्यादा नेचुरल फील आएगी, आपका एकदम स्मूथ लगेगा, ओरिजिनल ड्रम वाली फील आएगी, कोई प्लास्टिक कंप्यूटराइज नहीं। राइट, अगेन इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।